अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाजिमास किचन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से हो गए। हम लोग भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। सो आप लोग सोच रहे हैं कि ये कौन स्टार्ट कर रहा है ब्लॉग, ये है कौन? तो अगर आप लोग ने मेरी मम्मी के चैनल पे फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा, पुणे ब्लॉग, तो इससे पता चल जाएगा आपको। तो रीज़न ये है, मैंने इसलिए ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है जो कि है मदर्स डे। जी हाँ, आज मदर्स डे है। तो सबसे पहली बात तो हर मम्मियों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तो अभी मैंने इतना कुछ स्पेशल प्लान तो नहीं किया है, तो चलिए देखते हैं इस ब्लॉग में क्या क्या मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ, पूरे दिन में क्या कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। आज संडे भी है, वीकेंड है, तो आराम से उठी हूँ मैं और अभी तक मम्मी सो रहे हैं और अभी बज रहे हैं 12, तो अभी तक से नाश्ता भी नहीं हुआ है हम लोग का। तो अभी रोज़ तो मम्मी बेचारे ब्रेकफास्ट बना के देते हैं मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ब्रेकफास्ट बना के उनको सरप्राइज़ करूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी मम्मी के चैनल का ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं मम्मी के लिए सबसे पहले स्टार्ट शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से, तो आज बना लेते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट। आओ पानी गिर गया। वैसे तो हर दिन मेरी मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट बना के देते हैं, तो आज मैं सोची आज क्यों ना मैं बना लूँ, आज मदर्स डे है तो थोड़ा उनको अच्छा स्पेशल फील करूँ। वैसे तो रोज़ मदर्स डे होता है मेरे लिए, लेकिन आज सोची मैं क्यों अपने हाथों से मेरी प्यारी मम्मी के लिए बना लूँ मैं ब्रेकफास्ट। सबसे पहले चाय बनाते हैं। तो चलिए जब तक चाय में बॉयल आता है तो यहाँ पर थोड़ी सी दालचीनी ली है, मम्मी को दालचीनी वाली चाय तो पसंद है। तो अभी जब तक चाय में बॉयल आता है तो मैं सोची पाव को क्यों गर्म कर लूँ, थोड़ा ब्रेड को ओवन में गर्म कर लेते हैं। यहाँ ब्रेड होने का तो गाइस अभी ये आउटफिट है आज का, अम्मी का आउटफिट। तो चलिए अभी अम्मी रेडी होते हैं तो अम्मी से फिर आप लोग को मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आज मेरी बेटी ने मेरा व्लॉग स्टार्ट किया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सोई थी। उसने उठ के मेरा व्लॉग स्टार्ट किया, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाई, चाय रखी, मैं तो सरप्राइज हो गई क्योंकि हमेशा मैं ही उसे दे रही हूँ ना ब्रेकफास्ट। तो आज उसी ने मुझे सरप्राइज दे दिया कि मेरे को ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद उठाती मम्मी चलो उठिए ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। मेरे लिए तो आज का दिन बहुत ही अच्छी शुरुआत से हुई, अभी आगे देखिए क्या होता है। हाय गाइस, सो जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि कुछ प्लान करते हैं, देखते क्या प्लान कर सकते हैं, तो अभी मैंने सोचा चलो जू बीच जाके आ जाते हैं। तो चलिए जू बीच जाते हैं, आप लोग भी हम लोग के साथ एंजॉय करिए, जू बीच का मज़ा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं जू बीच पे। देखो गाइस हम लोग आ गए जू बीच। यहाँ पे देखो कितना क्राउड है जू बीच पे, समर वेकेशन भी है ना बच्चों का, तो इसके लिए ज़्यादातर सब लोग जू बीच पे आते हैं। और एक भी जगह नहीं मिली थी, इतना क्राउड है, मुश्किल से एक जगह मिली जाके। तो चलिए अभी आप लोग को जू बीच का व्यूज दिखाती हूँ।
सो गाइस, ये किस किस को पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोग क्या बोलते हैं इसको? तो हम लोग तो चना चोर गरम बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। तो ऐसे ही टाइम पास के लिए ले लिए खाने के लिए। और ये आ गया, ये अभी हम लोग खाएंगे इसको और मज़े करेंगे यहाँ पर। मम्मी कैसा लग रहा है ये? बहुत ही टेस्टी था। ये लो दोस्तों, आप लोग भी खाइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए। घर पहुंचे फ्रेंड्स, आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन था। इतना अच्छा लगा आज मुझे, मेरी बेटी ने सुबह से ब्रेकफास्ट रेडी किया मेरे लिए, मुझे बहुत ही स्पेशल फील कर रहा है। जू बीच गए हम लोग ने वहाँ पे इंजॉय किए बैठे, फिर उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपनी बच्ची का सब टाइम स्पेंड किया। तो मुझे अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील करके, बिकॉज आई एम अ गुड मदर। आप लोग की भी बेटी या बेटे हो, उन्होंने भी आप लोगों के लिए स्पेशल फील कराया होगा, क्योंकि आप लोग को भी खुद को अपने आप पे प्राउड फील होगा, क्योंकि हाँ, बिकॉज यू ऑल आर गुड मदर। इसलिए आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और इस वीडियो को मेरी बेटी ने स्टार्ट किया था व्लॉग को, अभी इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।